नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माई किसान दोस्त चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त यश जाट। और दोस्तों आज हम पहुंचे हैं ग्राम मोरवन में। यहां पर आप देखेंगे मेरे पीछे ये पूरा ही संतरे का बगीचा है। तो दोस्तों आपको जो संतरे की खेती से रिलेटेड यदि आपका कोई सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आज हमारे साथ है महेश जी पाटीदार। हम इनका जो बगीचा है वो पहले आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके के फल इनके बगीचे में लगे हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको पूरा ही बगीचा जल्दी से दिखा देता हूँ, इसके बाद दूसरा वीडियो में तैयार करूँगा यहाँ पर। तो आपके जो भी सवाल है इस खेती से रिलेटेड कि संतरे की खेती कैसे करना चाहिए, क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, वो सारे सवाल आप हमें अभी पूछ सकते हैं। उन्हीं सवालों के आधार पर जो हमारा वीडियो है नेक्स्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको पूरा बगीचा घुमा देता हूँ। राम राम भाई। आप देखेंगे दोस्तों ये संतरे का बगीचा है, काफ़ी संतरे और काफ़ी फल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। नमस्कार भाई जी, बीकम जी। आप यहाँ पर देखेंगे तो ये संतरे के देखिए और यहाँ देखिए, मतलब फल काफ़ी फल इस बगीचे में देखने को मिला। अभी इस साल के मैंने जितने भी बगीचे देखे उनमें से सबसे टॉप बगीचा मुझे यहाँ देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि ये एक पौधा है। नमस्ते भाई। और आप यहाँ देखेंगे किसी भी पेड़ को आप देख लीजिए, सभी पेड़ों पर इतने ही फल आपको देखने को मिलेंगे। काफ़ी मेहनती किसान है, काफ़ी मेहनत के साथ खेती करते हैं और इनकी जो खेती है ताबिलियाकारी खेती आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। यहाँ देखिए ये फल, और वहाँ सामने देखिए कोई भी पौधा आप देख लीजिए, सभी पौधों पर नमस्ते जय श्री कृष्णा। दोस्तों संतरे की खेती से जो भी आपका सवाल है वो अभी यहाँ पुट कर दीजिए ताकि हम इससे रिलेटेड पूरी ही जानकारी पर आप लोगों के लिए वीडियो ला पाएँ। यहाँ देखेंगे आप संतरे वगैरह ये, और जिन भाइयों को खाना है वो भी आ जाइए, आपको खिलाएंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे राम निवास जी जाट, जिनके सहयोग से आज मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। साथ में हमारे किसान भाई ये मुकेश जी पाटीदार, इनसे हम पूरी ही जानकारी लेंगे। इनके पीछे जो पौधा दिखाई दे रहा है उस पर भी काफ़ी ज़्यादा फल है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि गर्मी के फल भी यहाँ आपको साथ में मिल जाएंगे। ये देखिए ये गर्मी के टाइम पर ही आएंगे और ये अभी लगेंगे। दोस्तों मेरी आवाज़ अगर साफ आ रही हो तो आप थोड़ा सा बता दीजिएगा। लोकेशन है भाई मोरवन, ग्राउंड बसेड़ी भाटी, जिला नीमच, मध्य प्रदेश। यहाँ पर देखेंगे शानदार पार्क। सबसे जबरदस्त फल इस बगीचे में मुझे लगे हुए इस साल में देखने को मिले हैं। सॉरी भाई, यहाँ पर क्या है कि गांव में थोड़ा सा नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है तो थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी में आपको दिक्कत आ रही होगी। किसी भी पौधे को आप देखेंगे ना, सब तरफ इतने ही फल आपको देखने को मिल जाएंगे। जी इसके लिए कैसी जमीन चाहिए जी, इन पर पूरा ही वीडियो आपको बहुत जल्दी मैं बताऊंगा। दोस्तों पूरी ही जानकारी, आपके जो भी सवाल है जल्दी से पूछ लीजिए ताकि हम इस पर जो वीडियो तैयार करें वो सभी किसान भाइयों को फायदा वाला हो सके। चलिए दोस्तों आनंद लीजिए संतरे का। यहाँ पर देखेंगे ये एक से एक जबरदस्त। जय श्री महाकाल दिनेश जी पाटीदार। और सबसे अच्छी बात यह है कि पूरा ही इन्होंने नेचुरल भी कर रखा है यहाँ पर ये। ये देखिए दोस्तों,
पूरे हम किसान का इंटरव्यू लेंगे और उनसे पूछेंगे कि किस तरीके से इतनी अच्छी फसल इन्होंने अपने खेत पर लगाई है। यहाँ पर आप देखिए सारे पौधे आप देख सकते हैं, मुझे ऐसा एक भी पौधा नहीं दिखा जिस पर फल कम हो, और सभी पौधों पर आपको जो गर्मी वाला फल है वो भी देखने को मिल जाएगा, और अभी का तो फल आप देख ही रहे हो। यहाँ पर देखिए ये दोस्तों, अब हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। किसी को संतरा खाना हो तो इनवाइट है, आ जाओ, काफी टेस्टी संतरे हैं जी। हाँ मैं नीमच मध्य प्रदेश से हूँ भाई। चलिए दोस्तों, अब आगे की जो जानकारी है आपको बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगी। तो जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे ताकि खेती बाड़ी और किसानों से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। जल्दी मुलाकात करेंगे एक नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत जय किसान।